एक और हफ्ता खत्म हो गया है और इस हफ्ते भी ओयो से रिलेटेड न्यूज़ है, पर इस हफ्ते ना ओयो ने फंडिंग उठाई है ना कोई नए देश में एक्सपैंड किया है, पर बायजू ने फंडिंग उठा ली है। और भी बहुत कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पर वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अब मैं रेगुलरली 1 मिनट के वीडियोज़ और स्टार्टअप से रिलेटेड पोस्ट डालने लग गया हूँ। अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ता हूँ वो भी वहाँ शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, आप अपने ओपिनियंस बताते हो तो सबको सीखने को मिलता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पहले फॉलो कर लो। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप में, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो घंटा है उसको भी दबा दो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। अब यार बहुत काम हो गया, अब जल्दी से हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि यार ओयो अब अपना बिजनेस को डीमर्ज करने वाला है, मतलब सेपरेट एंटिटीज बनाने वाला है। तो दो नई कंपनीज बनेंगी, पहला होगा ओयो का इंडिया बिजनेस जो कि एल्कॉट टाउन प्लानर्स के अंडर आएगा, और दूसरा होगा उनका टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बिजनेस जो कि ओरेवल स्टेज के अंडर आएगा। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कंपनी तो सेम है, फिर दो सेपरेट कंपनीज क्यों बनाई? यार इसका रीज़न ये है कि यार ओयो अब बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, तो वो अब सारी कंपनीज पर सही से फोकस कर पाएंगे। हर एक कंपनी का अपना विजन होगा, अपना मिशन होगा, अपना स्ट्रेटजी होगा, अपने ऑपरेशंस होंगे, अलग इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, अलग पार्टनर्स हो सकते हैं, तो सारे उनके सब्सिडरी सही से ग्रो करेंगे। अब मान लो कोई एक इन्वेस्टर को लगता है कि यार उनका इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, तो वो फिर उनके इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। जिसको लगता है कि यार इंडिया बिजनेस में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, वो इंडिया वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। प्लस ओयो अभी इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि उनको काफी ज्यादा फंडिंग उठानी पड़ती है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से, पर क्योंकि वो अब सेपरेट कंपनीज बनाने वाले, तो थोड़े छोटे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। प्लस जो उनके पार्टनर्स, मान लो उनको एक स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज है, वो उस चीज में हेल्प कर पाएंगे। मान लो कोई इंटरनेशनल पार्टनर है जो एक्सपेंशन में मदद कर सकता है, तो वो उनके इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपेंड करेगा। फालतू में पूरे बिजनेस में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? और एक और चीज, जो उनका टेक्नोलॉजी बिजनेस है वो हर दिन इंप्रूव हो रहा है, नई नई चीजों में एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि ओयो अभी बहुत तेजी से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ एक्सपेंड कर रहा है, तो उनका बिजनेस मॉडल ये सब भी चेंज हो रहा है, तो इस पर भी उनको फोकस करना पड़ेगा कि यार कैसे वो अपने बिजनेस मॉडल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सेपरेट एंटिटी बना दिए ताकि आराम से हर एक कंपनी पे सही से फोकस किया जा सके। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज ये है कि यार ओयो के फाउंडर एंड सीईओ रितेश अग्रवाल, अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद वो ओयो में अपने स्टेक्स बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सेक्वा कैपिटल और लाइट स्पीड वेंचर्स के जो स्टेक्स हैं वो खरीद लें, और उनका टोटल स्टेक जो अभी 10% है वो बढ़ के करीब 30-33% हो जाए, क्योंकि यार उनको पता है कि यार ओयो बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है और उसका वैल्यूएशन आगे जाके बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि यार अपना स्टेक बढ़ाएं ताकि उनकी वैल्यू तो बढ़ेगी, प्लस वो डिसीजंस भी अपने हिसाब से ले पाएं और नई नई चीजों में जल्दी से एक्सपैंड कर पाएं। दूसरी न्यूज ये है कि यार अभी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी अगर आप देखेंगे, पहले तो सिर्फ बैंक के क्रेडिट कार्ड पॉपुलर होते थे जैसे HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, पर अभी कई स्टार्टअप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर करने लग गए हैं, जैसे ओला ने SBI के साथ, पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ, अमेजोन और गो आईबीबो ने ICICI बैंक के साथ, और बिग बास्केट ने DBS के साथ। तो फ्लिपकार्ट ने बोला हम कैसे पीछे रह सकते हैं, और अब उन्होंने फाइनली क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट के क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई कि क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, और आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। अभी एक दो दिन पहले ही वीडियो पोस्ट करी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। और अगर आप रेगुलरली फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, PVR, फिट, उबर ये सब यूज करते हैं, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं जो अभी मैंने क्रेडिट कार्ड्स बताए, जैसे अमेजोन, गो आईबीबो, बिग बास्केट, ओला, पेटीएम, इन सब के बारे में वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में बताना, मैं इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चले कि यार कौन सा क्रेडिट कार्ड में क्या फीचर्स हैं और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। तो क्योंकि अभी स्टार्टअप्स क्रेडिट कार्ड के फील्ड में आ चुके हैं, तो वो काफी मस्त ऑफर्स दे रहे हैं, काफी मस्त कैशबैक्स दे रहे हैं, प्लस मार्केटिंग भी वो बहुत कर रहे हैं, तो अभी क्रेडिट कार्ड का यूसेज इंडिया में बढ़ने वाला है, बहुत लोग अभी क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले हैं। तो आप में से कितने लोग अभी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या यूज करना चाह रहे हैं, अगर मस्त कैशबैक्स और मस्त ऑफर्स मिले कमेंट्स में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार किस स्टार्टअप ने कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई इस हफ्ते।
पहली न्यूज ये है कि बैंगलोर बेस्ड एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने $150 मिलियन की फंडिंग उठाई है कतार के सॉवरेन वेल्थ फंड से। तो पिछले फंडिंग राउंड में उनकी वैल्यूएशन $5 बिलियन हो गई थी, तो अब तो $5 बिलियन क्रॉस कर ही गए होंगे, एग्जैक्ट वैल्यूएशन अभी बताया नहीं। तो इस फंडिंग की मदद से वो अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन में फोकस करने वाले हैं और अभी जो उनका प्रोडक्ट है जो मेनली इंडियन ऑडियंस के लिए बना है उसको इम्प्रूव करेंगे, नई चीजें ऐड करेंगे ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी इसका फायदा हो। अब देखते हैं कि यार बायजू और कौन कौन से कंट्रीज में एक्सपैंड करने वाला है। और अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने अपने स्टार्टअप न्यूज के वीडियो में बताया था कि बायजू पिछले साल प्रॉफिटेबल हो गया, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। होपफुली बायजू आगे और भी बहुत ग्रो करेगा। जो दूसरी फंडिंग न्यूज है उस कंपनी के बारे में आपको पता होगा अगर आप रेगुलरली मेरे स्टार्टअप न्यूज के वीडियोस देखते हो। कमेंट्स में बताना कि अगर आपको रिवीगो क्या करती है उसके बारे में पता है कि नहीं। दूसरी फंडिंग न्यूज ये है कि लॉजिस्टिक्स यूनिकॉर्न रिवीगो, अभी उनका जो सीरीज ई राउंड चल रहा है उसमें उन्होंने $65 मिलियन रेज कर लिए हैं। तो इस फंडिंग की मदद से वो अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करेंगे और जो उनका नेटवर्क है उसको और एक्सपैंड करेंगे। तो जिनको नहीं पता कि रिवीगो क्या करता है, बेसिकली अभी आप देखते हैं कि यार ऑनलाइन आप कुछ भी मंगा सकते हैं, चाहे ई कॉमर्स हो गया या मेडिसिन हो गया या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, पर ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनी की ज़रूरत होती है और यही सर्विस रिवीगो प्रोवाइड करता है। रिवीगो की शुरुआत 2014 में हुई थी और उनके अंडर करीब 2100 ट्रक्स हैं और वो करीब 150 लोकेशंस इंडिया में सामान डिलीवर करते हैं। तो अभी इस फंडिंग की मदद से वो और ज़्यादा लोकेशंस में अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करेंगे। पर ये लॉजिस्टिक्स वाला स्पेस काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, ब्लैक बक है, डिलीवरी है और भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको काफी फंडिंग मिली है। तो जैसे जैसे ई कॉमर्स कंपनीज बढ़ेंगी, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सामान मंगवाएंगे तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज तो ग्रो होंगी। अब देखना पड़ेगा कि यार मार्केट लीडर इनमें से कौन बनता है और फाइनली प्रॉफिटेबल कौन बनता है। तीसरी फंडिंग न्यूज ये है कि B2B इंडस्ट्रियल मार्केटप्लेस मोगलिक्स ने अभी $60 मिलियन यानी करीब 412 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है और अभी उनकी वैल्यूएशन 200 से $300 मिलियन हो गई है। तो मोगलिक्स की शुरुआत 2015 में हुई थी और आप उनकी वेबसाइट में ऑफिस का सामान, इलेक्ट्रिकल टूल्स, सेफ्टी टूल्स, हैंड पंप्स और हैंड टूल्स, ये सारी चीजें बल्क में खरीद सकते हैं। तो अभी इस फंडिंग की मदद से वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सप्लाई चेन को और इम्प्रूव करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज की ओर। यार कुछ हफ्तों से बड़ी एक्विजिशंस नहीं हो रही थी पर इस हफ्ते फूडटेक डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने नॉन प्रॉफिट कंपनी फीडिंग इंडिया को खरीद लिया है। तो फीडिंग इंडिया का एम है कि हंगर और माल न्यूट्रिशन खत्म हो जाए और बिल्कुल भी फूड वेस्टेज ना हो। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जोमैटो ने फीडिंग इंडिया को क्यों खरीद लिया, इनके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी है या फिर ना कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ना कोई USP है जिससे जोमैटो को प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई इनका रीजन कुछ अलग है और यहाँ तक कि आपको लगेगा कि यार शॉर्ट टर्म में तो जोमैटो को लॉस ही होगा, पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि वो फूड वेस्टेज कम कर रहे हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जोमैटो का ब्रांड इमेज बिल्ड होगा, ब्रांड इमेज इंप्रूव होगा, पॉजिटिव इमेज होगा, जिसकी वजह से उनको काफी फायदा होगा जो अभी आप नंबर से तो नहीं देख सकते पर कंपनी की लेगेसी में वो दिखेगा। तो इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां फॉलो कर लेना। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में ये भी बताओ कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं और क्या, जैसे कि मैंने आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताया उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं कि नहीं। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।